तो आज की तीसरी पार्ट की चार पोएट्री आपको सुनाऊंगा। पहली पोएट्री है कि जब आप धीरे धीरे प्यार में पड़ते हैं, जब आप उनको देखते हो, जब बातें शुरू होती हैं, तो उस पे पोएट्री है कि आंखें मिल रही हैं, बातें भी होंगी, हम जान ले एक दूसरे को, फिर मुलाकातें भी होंगी। पहले दोस्ती निभाऊंगा, तुम बताना दोस्त अच्छा हो या नहीं। धीरे धीरे करीब आऊंगा, तुम बताना सच्चा हूं या नहीं। यूं ही इकरार नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो। तेरा इंतजार मैं करूंगा, चाहे जो भी हो। पूरी शिद्दत से निभाऊंगा ये रिश्ता, परी हो तुम या हो कोई फरिश्ता। सब कुछ मुकम्मल होगा इस बार, जितनी तकलीफें मिली है ना, उससे बढ़ के दूंगा तुझे प्यार। तो उसके बाद ये जब प्यार से बातें आगे बढ़ती हैं और आपको लगता है कि सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तब मैंने एक पोएम लिखा था कि अभी ये उम्मीद है कि वापस देखूंगा तुझे, अभी उम्मीद है कि वापस देखूंगा तुझे, जब सच में चली जाओगी तो कहाँ ढूंढूंगा तुझे। सच या झूठ होता क्या है, सच या झूठ होता क्या है, बस नजरिए का है फर्क। तुम वही देखोगी जो दिखा रहा हूं मैं, सच या झूठ कुछ तो छुपा रहा हूं मैं। नजरिया बदलोगी तो कहानी पढ़ लोगी, मुझे जान लोगी तो मोहब्बत कर लोगी। शायद काश ये शब्द कमजोरी की निशानी है, शायद काश ये शब्द कमजोरी की निशानी है, किसी दिन फुर्सत से मिलो तुम्हें कुछ बातें बतानी है। तो ये चीजें भी हो गई। उसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं अब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, या आपको लगता है कि नहीं बस ये एक तरफा ही रह जाएगा, तो मैंने तीसरी पोएट्री लिखी थी कि मेरी कहानी के पन्ने मैं खुद से जला रहा हूँ, मेरी कहानी के पन्ने मैं खुद से जला रहा हूँ, उसकी खुशी ढूंढने में अपनी खुशी गवा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर ज़रूरत पूरी होती है, ख्वाब मुकम्मल करने में कुछ सपने अधूरी होती है। ये जिंदगी है साहब, कुछ ख्वाहिशें तो होंगी, रिश्ते ना चाहो पर निभानी तो होंगी। लोग हजारों हैं पर उनकी कमी पूरी नहीं होती। हाँ सच है, अब तकलीफ को भी तकलीफ नहीं होती। कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ इनमें से निखर जाते हैं। ये कहानी अधूरी है, अधूरी रहने दो, मेरे जज्बात मुझे मेरी स्याही से कहने दो। हाँ, इस कहानी को अपने लफ्जों से सुना रहा हूं, और सच है इन पन्नों को मैं खुद से जला रहा हूं। तो मैं इस लास्ट पोएट्री के साथ खत्म करता हूं इस प्यार की अधूरी कहानी का चैप्टर। अगर ये कहानी खत्म हुई तो लिखना बंद कर दूंगा मैं, अगर ये कहानी खत्म हुई तो लिखना बंद कर दूंगा मैं, अपने जज्बातों को सरेआम दफन कर दूंगा मैं। खुशनसीबी हो या बदनसीबी मेरी, सब कुछ छोड़ा तुझ पे खुदा। खुशनसीबी या बदनसीबी हो मेरी, सब कुछ छोड़ा तुझ पे खुदा। अगर इस बार मैं रोया तो रोएगा तू भी खुदा। उदासी के मंजर में तकलीफ की गीत गुनगुनाऊंगा नहीं, उदासी के मंजर में तकलीफ की गीत गुनगुनाऊंगा नहीं, कहानी लिख तो दूं पर अब किसी को सुनाऊंगा नहीं। तो एक मेरा मेरा बहुत फेवरेट पोएम है जो आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है पर मेरे मेरे लाइफ को बहुत इंस्पायर किया हुआ है कि हवाओं से जब मांगा हिस्सा मेरा, तो बदले में हवा ने सांस दी। अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू, तो मेरे दिल ने ही आवाज़ दी। मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा करना है मुझे। कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। थैंक यू वेरी मच।